एशिया कप 2022 का आगाज श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच से 27 अगस्त को यूएसए में होगा। ये टूर्नामेंट का 15वां सीजन होगा। चलिए देखते हैं अब तक खेले गए 14 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज कौन हैं। श्रीलंका के बाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज सनय जयसूर्य 25 मैचों में 53 की औसत से 1220 रन बनाकर एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 3 अर्धशतक भी देखने को मिले। इसके बाद कुमार संगकारा दूसरे पायदान पर हैं। संगकारा ने 24 मैचों में 4 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1075 रन अपने नाम किए हैं। 23 मुकाबलों में 2 शतक और 7 फिफ्टी के दम पर 971 रन बनाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सूची में तीसरे नंबर पर हैं। सचिन ने 1995 में श्रीलंका के विरुद्ध 112 और 2012 में बांग्लादेश के विरुद्ध 114 रनों की शतकीय पारी खेली थी। 21 मैचों में 907 रनों के साथ पाकिस्तान के शोएब मलिक चौथे नंबर पर रहे। उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक देखने को मिले। नंबर 5 पर रोहित शर्मा का नाम मौजूद है। रोहित ने एशिया कप में 6 सीजन के दौरान 27 मैचों में 42 की औसत से 883 रन बनाए हैं। हिटमैन ने साल 2018 में पाकिस्तान के विरुद्ध 111 रनों का नाबाद शतक लगाया था। इसके अलावा उनके नाम 60 अर्धशतक दर्ज हैं। रोहित के ठीक नीचे छठे पायदान पर रन मशीन विराट कोहली मौजूद हैं। कोहली ने 16 मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 766 रन बनाए हैं। बता दें कि 183 रन विराट कोहली के वनडे जीवन की सबसे बड़ी पारी है। 19 मैचों में 741 रनों के साथ नंबर 7 पर श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगा मौजूद हैं। इसके बाद बांग्लादेश के मिशफिकुर रहीम ने 739 रन बनाए हैं। एमएस धोनी लिस्ट में शामिल 9वें भारतीय हैं। धोनी ने 24 मैचों में 1 शतक और 350 की बदौलत 690 रन अपने नाम किए। श्रीलंका के महिला जयवर्धन ने 674 रनों के साथ एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी हैं।